स्पीकर मैम, फर्स्ट आई वांट टू कांग्रेचुलेट एवरीवन प्रेजेंट इन द हाउस एंड इन द कंट्री. आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. और 25 सितंबर 2015 को SDGs घोषित किए यूनाइटेड नेशंस ने, और उसका जो पांचवा लक्ष्य था वो लिंग समानता यानी जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण चिन्हित किया गया. ये सब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से निकले थे, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से निकले हुए इस दस्तावेज को फ्यूचर वी वांट का शीर्षक दिया गया. द फ्यूचर वी वांट इज वेरी अपेरेंट. हमें कैसा भविष्य चाहिए ये सबके भाषणों से आ चुका है. हमें भविष्य चाहिए जहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो. कोई विशेषाधिकार की मांग इस सदन से नहीं उठी है, बल्कि इस सदन की मांग एक वो आशाओं भरा भविष्य अगर मैं कहूं तो आशा एक बहुत छोटी सी आशा है, और वो आशा है कि सुरक्षा और समानता का अधिकार महिलाओं को दिया जाए. और जब SDGs का विषय आता है तो आप चाहे इस देश का इतिहास उठाकर देखें, चाहे वर्तमान देखें और या भविष्य देखें, तो आप पाएंगे कि भविष्य की प्राप्ति के लिए अगर हम अपने आदर्शों को पाएं तो हमें पता चलता है कि मातृशक्ति को इस देश की राष्ट्र चेतना में भी आदर्श प्राप्त हुआ. और वो आदर्श कि चाहे वंदे मातरम हो या भारत माता हो, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिसने इस राष्ट्र की चेतना को जगाया. और ये राष्ट्र की चेतना को जब जगाया तो वहीं पर हमारे उपराष्ट्रपति जी का भाषण मुझे याद आता है, जो कि मैं आपके समक्ष कोट करना चाहती हूँ. उपराष्ट्रपति जी ने आपके द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में कुछ शब्द दोहराए थे, और उन्हीं शब्दों को मैं दोहराना चाहती हूँ. अ क्लोजर लुक एट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस lends weight to the notion that most, though not all, only cover issues related to women. This also seems to be sustained by data on membership of parliamentary committees, though the responsibility for this state of affairs is to be shared by party leadership, who in the final analysis do the nominations. A few instances sustain this impression. There are just 2 women members in 3 financial committees out of their total strength of 74 members. While the Committee on Estimate has 2 women members from Lok Sabha, there is none in the Committee on Public Accounts and Public Undertakings from both the houses. The Department-related Standing Committee on Finance does not have a single woman member, while the Committee on Railways has only 1. The Committee on Home Affairs has got 2 women members, whereas the Committee on Defence has 4. In all, there are 7 women members in these 4 committees out of their total strength of 124 members, thus constituting approximately 6%. The 30-member Joint Committee on Insolvency and Bankruptcy Code 2015 has only 1 woman member. Even the Committee on Security in Parliament Complex does not have any woman member other than the Speaker as a chairperson. In contrast, however, the Joint Committee on Empowerment of Women has 28 women members. Please. Out of a total of 30 members. आप कहना क्या चाहती हैं? वो कहो कमेटियों में जब नंबर बढ़ाने के लिए बोलेंगे. ये आंकड़ा इतना समय नहीं है. स्पीकर महोदया, ये आंकड़ा समक्ष रखना अनिवार्य था. आई नो. और मैं इसलिए नहीं कह रही कि ऑल दिस इज कमिंग आउट ऑफ सम काइंड ऑफ मैलिस टुवर्ड्स वुमेन, बट आई एम श्योर इट इज जस्ट एन ओवरसाइट. ऑन दिस वुमेन डे लेट्स डू दिस करेक्शन एंड लेट्स पास दिस रेजोल्यूशन इन दिस हाउस दैट दिस करेक्शन नीड्स टू बी करेक्टेड. एंड वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन ऑल स्टैंडिंग कमिटीज, सिलेक्ट कमिटीज, एंड इफ वी रियली वॉन्ट टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेदर इट्स क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, हेल्थ, ऑल दिस इज अनअचीवेबल इफ वी डू नॉट अलाउ वुमेन पार्टिसिपेशन इन ऑल द कमिटीज अक्रॉस बोर्ड. थैंक यू वेरी मच. मैं नारी हूं, सृष्टि का अनुपम रूप. मैं परंपराओं की जननी भी हूं तथा उनका निर्वाह करने वाली भी.